सबने बताने के बाद उन्होंने मुझे आदर नहीं लगा, मुझे ऐसा ही नहीं लगा वापिस लाकर हमारे इसे बात के वहाँ छोड़ दिया गया। सब लोग हमारे जितने अंदर गए थे पूरे लोगों छोड़ दिया गया है। वहाँ का पोजीशन सरकार ने लिया है, हमारे पास आने कुछ भी पोजीशन नहीं है। ना कर से हम वहाँ पूजा कर सकते हैं, ना वहाँ जा सकते हैं। हमारा पूरा पूरी का वहाँ का पोजीशन उन्होंने सरकार ने ले लिया है। विशेष करके जज के तरफ से हमें ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है। मैं पूरे मेरे कोर्ट को पूरे देश दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ। उसने हमने आर्डर में लिखा है कि खुद मेरी मर्जी है, तो ऐसा इसको गरीब और शुगर को खुद मर्जी करने का अधिकार इसको कानून ने संविधान ने नहीं दिया, लेकिन इसने किया है। अब कानून संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है, कानून संविधान का सम्मान करते हुए यह हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और हम लोग इस सरकार से ये दरबार किसी भी हालत में लेकर पहले सरकार इस सरकार से ही बनवा कर हमारे समाज को सम्मान देंगे। ये काम पूरे देश दुनिया के रविदास लोगों ने करना है। क्यों बोले ईसो वापिस एक संत महापुरुषों को संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ को ज्यादा संत नहीं आए। यहाँ पर संत फुलोकराम जी साधु संपर्क सोसाइटी के अध्यक्ष थे, आदि धर्म मिशन के 108 संत हीरा जी और उनके संत ने जोड़ी थी। और विशेष रविदास धर्म के तरफ से अब और बेटी कृष्णा जी और बाबा जी इतने ही संत यहाँ थे, बाकी किसी संत की हाजिरी नहीं लगी। तो हम आपसे चिंतित नहीं है, लेकिन ये फर्ज आपका भी बनता है। आपके घर हर गुरु घर में ये संदेश दो कि भाई ये संघर्ष रोज हर स्टेट में चालू होगा, हर स्टेट में रोज संघर्ष होना चाहिए। और 21 तारीख को दिल्ली के अंदर बड़े लेवल पर संघर्ष होना चाहिए, पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ आए और संत और महापुरुष कम से कम आगे तो इस आंदोलन को आगे हेल्प करें, मदद करें। यही सुझाव मेरा है। और दो शरण में सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में अर्पण करता हूँ। और साधु की तरफ से मंदिर जैसे विदेशी की तरफ से 1,00,000 रुपया आया है, हमारे यहाँ दुर्ग के लिए काम करने के लिए जो हमने निर्माण किए उनके कार्य में दे देता हूँ। अभी इसको ये जो भी हमारा खर्चा करना है, पोस्टर हो, कमीशन हो, जो जो करना है वो जैसे चालू करें। और बाकी जैसा सुयोग लोगों का आएगा मेरी तरह हम सारे लोगों को पूरा करेंगे। ये संदेश मेरा सबका है। आज चंद्रशेखर जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, इसके कोर्ट के खातिर उनके साथ भी एक जाति का आदमी नहीं है, उनके साथ बहुजन समाज है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ पर जो रोज भूमिका निभाई, मैं बहुत मुझे खुशी हुई। मैं इन संत और महापुरुषों को और जितने भी देश के लोग आए थे तो सबको मैं इस मिशन का आपके लिए जो आपने काम किया है तो बहुत ही खुशी की बात है। आगे मिलकर हम सब लोगों का नाम इतना ही संदेश में आप सबको बाबा जी। अभी आपको आज की जो पूरी कार्रवाई हुई है श्री गुरुदास धर्म पाठशालाबाद के संबंध में बहुत जानकारी दी। अब मैं श्री 108 कुमार जी के नेतृत्व का आभार जिसने आप अपने नाम दिए थे ना।
मंदिर को नस्तनाबूद करने के लिए यहाँ जो कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा, मैं इस अवसर पर आए हुए महापुरुषों को सादर नमन करते हुए दूर दूर से आए हुए श्री गुरु रविदास जिन्होंने प्रशासन में अपनी भागीदारी करवाई है, उन सभी को जयपुर बोलते हुए आग्रह करना चाहूँगा। धर्मबंधुओं, जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने श्री मुख से आपके सामने सारी बातें लिख के करके रखी हैं, मेरा निवेदन यह है कि देखो किसी कोर्ट के अंदर इस देश का वो केस लड़ा जा रहा है जिसके कागजों के बारे में उस पक्ष के वकील ने यह कह दिया कि कागज डकैती में चोरी हो गए हमारे, यानी कोई उनके पास प्रूफ नहीं है अपनी बात को सबूत करने का। लेकिन एक वो मंदिर जिसके 1954 से लेकर के अब तक के जो कागजात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए गए, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी वैमनस्यता, ऐसा कौन सा हमारी जाति से, हमारे महापुरुषों से, हमारे गुरुओं से विद्वेष था जिसके कारण से ऐसा कड़ा ये आदेश पारित किया गया। लेकिन हम लोगों के साथ अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे साथ समय समय पर इस तरह के प्रहार वो कार्यपालिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा हम पर होते रहे हैं। लेकिन जब जब भी हम पर प्रहार हुए हैं तब तब हमारे समाज ने संरक्षित होकर के सरकार को एहसास कराया है उसकी गलतियों का। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आज एक बार फिर 2 अप्रैल को दोहराने की जरूरत है। बंधुओं, भाई चंद्रशेखर जी त्रिवारणी के संस्थापक जिनके लिए गुरु महाराज ने इतना बल बख्शा है कि वो आवाम का रुख बदलने में सक्षम है, कोई गिनतियां नहीं है समाज पर कितने जुर्म अत्याचार होते हैं और रोज वो अनेकों जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ में पूरी टीम के साथ खड़े रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हीरा जी का, उन्होंने भी लंबे समय से उस दरबार के सामने सेवाएं देकर के अपना फर्ज निभाया है। मैं इसी तरह से सभी संतों महापुरुषों के चरणों में, क्योंकि जिस दिन 19 जून को वो आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन उस आंदोलन का शुभारंभ हम सब लोगों ने वहां पर मिलकर भी किया, लेकिन ऐसा किसी को भी पता नहीं था कि अचानक इस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि धर्म के प्रति इस देश के लोगों में आस्था होती है, लेकिन वो कितने नास्तिक लोग हैं जिन्होंने ऐसा आदेश सुना दिया जिस बार उसने इस देश की संरचना में, इस समाज और राष्ट्र की संरचना में अपने महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, पैगाम दिए हैं। ऐसा चाहूं राज में जागले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबंध से रविदास रहे प्रसंग, जिनके जन्म स्थान पर देश के प्रधानमंत्री माथा टेकने जाते हो, इस दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री माथा टेकने जाते हो, आज उसी प्रदेश में उसी देश की राजधानी में अगर उस महापुरुष के जन्म स्थान पर कोई प्रहार होता है, एक और आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हैं कि भगवान जो है वो उनको व्यक्ति के रूप में मानना चाहिए, वो पूजनीय है और उनको साक्ष्य मानना चाहिए, तो क्या हमारे गुरु रविदास महाराज वो पूजनीय है? वो 30 करोड़ लोगों की श्रद्धा के प्रतीक है, आस्था के प्रतीक है, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ है आज वो आपके सामने है। बंधुओं, आप विदेशों से अनेकों भाइयों ने फोन करके इस कार्यक्रम के बारे में पल पल की जानकारी ली, और उन सभी का जो विदेशों में बैठे हुए गुरु रविदास मिशन के समर्पित सिपाही हैं, अनुयायी हैं, और इस देश में बैठे हुए सभी सिपाही और अनुयायियों का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार जताते हैं, जिन्होंने दुख की इस घड़ी में तुगलकाबाद मंदिर कमेटी को अपना सहयोग देकर के ये महान कार्य किया। हम उनके इस सहयोग के बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं
कि इसी प्रकार से वो अपना सहयोग देकर के इस सुगम बाला मिशन को फतेह की ओर ले जाने में हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय गुरु रविदास। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति। श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की। धन्यवाद। जैसे कि आपको बताया गया सदगुरु रविदास महाराज के मंदिर के बारे में आज जो भी घटनाक्रम कल शाम से चल रहा है, सरकार ने आज जगह जगह पे दिल्ली के अंदर संगत को रोकने के लिए भारी फोर्स बढ़ा दी थी और तकरीबन 4 किलोमीटर के एरिए में सामने जो गांव और एक्सटेंशन पूरा ही सावली में तब्दील कर दिया, जिस कारण हमारे जो भक्तजन हैं बड़ी मुश्किल से एकदम के महाविद्य पहुंचे और संघर्ष किया। और मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि आज जो डीडीए द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई में उन्होंने खुद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर से खुद ऑर्डर का कंडम किया है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के अंदर यहाँ संत महापुरुषों की जो समाधियाँ थी उनको डिसमेंटल करने का कोई ऑर्डर नहीं था। तो दास अंदर जाकर सारा वाक्य देख कर आया है तो वहाँ पर उन्होंने सारी समाधियाँ भी तोड़ दी हैं। बड़े दुख की बात है, सारी समाधियाँ भी तोड़ दी हैं और हमारे जो भाई कल रात से ही संघर्ष के लिए मंदिर में रुके हुए थे जिनको जिसमें हमारे आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र हीरा जी और संत दामा जी भी मौजूद थे और उनकी पूरी टीम मौजूद थी, उनको पुलिस ने अंदर ही अरेस्ट कर दिया था। तो उनको भी बाद में भी मामले और हमारे सेंट्रल कमेटी के सदस्यों द्वारा जाकर बिल्कुल रिहा करके लाया गया है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़ा मन हो रहा है हमसे ज़्यादा अगर रात से ही हमारे एनआरआई वीर जो इस विषय पर पूरी नजरें लगाए बैठे थे, लेकिन आज सबका दिल तोड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। जो रिकॉर्ड में हमारा पूरा गुरु घर की जमीन जो है पूरी तरह से दर्शाई गई है, उसके अंदर सरकार द्वारा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेमाने तरीके से फैसला देकर हमारे साथ धोखा किया गया है। तो अभी हमारे सभी साथी किसी भी पुलिस कस्टडी में नहीं है, तो अपने आगे की बात करने के लिए आदि धर्म मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र हीरा जी से निवेदन करूंगा। बाद में उन्होंने अपनी बातचीत रखेंगे सिंगर के रूप में श्री सुरेंद्र हीरा जी। प्रवचन संतमान करते हैं, आप सत्संग में जाने हैं, लेकिन गुरुग्रंथ साहिब की आज तो जो हुआ वो पहले डॉक्टरों ने आपको बताया, सेंट्रल कमेटी के प्रधान जी एससी जी ने भी आपके साथ वो बातें शेयर की हैं, बताया गया है। मेरा आपको बताना ये है कि जैसे एनआरआई वीर विदेशों में रहते हैं, कोई किसी के साथ संपर्क में है, कोई किसी के साथ संपर्क में है, जब ये बात शुरू हुई तो मैं झारखंड में था। जब यहाँ पे ये बातचीत शुरू हुई तो मैं झारखंड में था और इंग्लैंड से मुझे फोन आया कि आप क्यों नहीं जा रहे वहां पे, क्योंकि झारखंड में गुरु जी का एक ऐतिहासिक स्थान है
जिसकी खोज चल रही थी वहां पे 2 एकड़ जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में है इसकी रजिस्ट्री करवानी थी। 2 एकड़ जमीन एक माता सूरजी देवी है जिसने ये रजिस्ट्री करवाई है और ये रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है? ये रजिस्ट्री श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे है। हम रजिस्ट्री करवाने गए थे लेकिन ये 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे है। क्यों? क्योंकि वो ऐतिहासिक स्थान श्री गुरु रविदास महाराज जी का है और वो बनेगा तो उसके वारिस कौन होंगे? मैं बाबा नहीं हूंगा, मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ। लेकिन वो जमीन किसने दी? वो माता ने। और पेंशन किसकी लगेगी? अपने समाज की, भाव के गुरुदास को मानने वालों की, उन मूल वासियों की, उन आदिवासियों की। तो ये रजिस्ट्री 2 एकड़ की करवाई। इसी बीच मुझे थोड़ा सा ये चेहरे पे दर्द हो गया तो मैं हिमाचल में था, मुझे सभी ने फोर्स किया तो मैं चला गया। लेकिन 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ही फोन गया ऋषिपाल जी का कि वही गवर्नमेंट है, वही जज है और वही आप हैं, वही हम हैं। भाई फैसला हमारे विरोध में आ गया है, अब आप फिर एक बार इसको संभाले। आपके एक बार फिर का मतलब क्या था कि जस्सी जी खड़े हैं। 2011 में जब हम काशी में यात्रा लेके गए थे श्री चरणशो गंगा से, तो ये 66 स्थान पे भी 50-60 गाड़िए तुगलकाबाद में हम लेके गए थे। उस समय इतिहास हमने डिक्लेयर किया था कब? 2011 में। और 2 पेज की चिट्ठी जो पुराने प्रधान जी हैं उन्होंने हमें दी थी कि इसकी मदद करो। लेकिन चरणशो गंगा पे हम नए नए बने थे, हमें ही वहाँ पे इतनी पिटाई हो रही थी कि इनकी कम हो रही थी, हमारी टांगे वहाँ पे ज्यादा खींची जा रही थी, हमें ज्यादा पीटा जा रहा था। लेकिन 2018 में जब ये हाईकोर्ट से हट गए तो फिर जस्सी जी को इन्होंने बोला, तो जस्सी जी ने मुझे बुलाया कि आप इसमें हस्तक्षेप करके इसको मदद करो। तो मैंने कहा मैं मिशन हूँ भाव के, मैं पे मिशन का कड़ी हूँ, हमें मिशन से पूछना पड़ेगा। तो पूछ करके जो बन सकता था 1 लाख रुपया उस समय वकील को दिया, तो वो पैसा किसका था? आपका, मेरा नहीं था। इसके बाद जब मैं दलहौजी में था वापस आया, 25 तारीख तक कोई नहीं आया यहाँ पे। नहीं क्रिटिसाइज नहीं मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पैसा दिया है, जिन लोगों ने पैसा दिया उनको पता चल जाए कि दिया हुआ है। जैसे बाबा जी ने बताया ना कि ये पैसा इधर जाने की मेरे भी गले में पड़ जाए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपये मिशन की तरफ से वकील को दिया, वो अपनी स्किन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, जिस दिन 25 तारीख तक हमने वेट की, 25 तारीख को हम लोग जो लगकर पानी हरियाणा की संगत है या पंजाब की संगत है उन्होंने एक गाड़ी भरी और हम लोग यहाँ आ गए। इंग्लैंड वाले मुझे बोल ही रहे थे 42,000 रुपया, 42,000 कुछ 200-300 रुपये जो पची है वो उन्होंने मुझे दी कि भैया ये लंगर नहीं टूटना चाहिए, हम इंग्लैंड वाले पैसे भेजते नहीं। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि लंगर तो यहाँ बहुत है, पैसे की अभी जरूरत नहीं है, झगड़ा चल रहा है, जब तक जमीन पे कोई काम नहीं होता तब तक पैसे की मुझे लगता है जरूरत नहीं। तो ऐसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि NRI सभी लोग जो विदेश में चले जाते हैं वो अपने भारत की मिट्टी को हमारे से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। क्योंकि मेरा भी 21 साल का तजर्बा है, मैं भी 21 साल बाहर रहा हूँ, मेरे बच्चों का जन्म भी बाहर है, तो हम ज़्यादा भी भारत की बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उतने देर जुड़े रहेंगे जब तक हमारा पैसा पारदर्शी हो। तो हमें कोशिश करनी है कि सब मिलके पारदर्शी करें, निशानों से ऊपर उठें, धर्मों से ऊपर उठें, गुरुओं के ऊपर उठें। तो क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी है गुरुदास महाराज की, तो उनको भी चाहिए कि इसमें हर का नारा मारे। तो जब हम गुरु ग्रंथ साहब को माता देखते हैं, तो जब गुरुदास को माता देखते हैं बाकी गुरुओं को भी देखते हैं, तो उनका भी फर्क पड़ता था कि वो भी इस बात में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैं आपको आज के दिन पे जहाँ दुख हृदय से आपसे जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, गुरुजी शायद हमें हमारा और एग्जाम लेना चाहते हैं,
लेकिन फिर भी जैसे हम इकट्ठे हो रहे हैं, अगर हम लोग इकट्ठे हो गए और नौजवान जो ये अलग अलग संस्थाओं के नाम से चले हुए हैं, जैसे भीम आर्मी है, श्रीमान चंद्रशेखर जी हैं, चार अशोकनगर में भी आते हैं, ऐसे और भी बहुत सी सभाएं हैं, वो छोटी हो सकती हैं। जब हम एक प्लेटफॉर्म पे एक गुरुदास के नाम पे इकट्ठे होंगे, गुरुदास के नाम पे इकट्ठे होंगे तो अवश्य हमारी जीत हो। जब हम अपने अपने नाम पे भागे, मेरे साथ कौन जुड़े, जसी जी के साथ कौन जुड़े, संत पाग महाराज जी के साथ कौन जुड़े, संत कारी जी बैठे उनके साथ कौन जुड़े, तो हम डिवाइड हो जाते हैं। हमें चाहिए कि गुरुदास के नाम पे इकट्ठे हो। फिर गुरुदास महाराज जी किन किन के साथ चले, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सैन जी, तो जब हम ऐसे अपना थोड़ा विशाल दायरा कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो गुरु जी के ऐतिहासिक स्थान है जिनकी बेदनी हो रही है, अभी हम बातें तो बहुत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जितने गुरु जी के स्थान हैं उन पे जानवर बेदनी कर रहे हैं, जानवर। और चरण गंगा पे जब 2009 में मुझे जाने का मौका मिला तो वहाँ मंदिरों की मैंने फोटो खींची हुई है गुरुदास महाराज के ऊपर बैठे। हम बहुत प्रदेशों में चले गए लेकिन चरण गंगा पे जो गुरुदास का मंदिर है रिकॉर्ड हो रहा है, और मेरे पास फोटो है 2009 में उसको रिकॉर्ड बैठा था मंदिर, तो जिम्मेदार कौन था, मैं। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने कहा हमने भी गुरु जी ने इतनी समर्था दी है, किसी को क्यों ब्लेम करें, हमें भी सेवा करनी है। ऐसे ही हम आपसे बेनती करते हैं कि हम तो 50 साल की उम्र में, हमें पता चला आप यंग हैं, आप गुरु जी के स्थानों की खोज करके वहाँ पे बेनती हो रही है उसको संभालें, अपने हाथों में लें। ये जो 2 एकड़ जमीन है ये करोड़ों की है, हाईवे पे, मेन हाईवे पे, जहाँ पे गुरु जी ने शब्दोच्चारण किया था, दूध पे बछरे धनों को डाले हो, फूल बोल जल मीन बगा रहे हो, जल लेके जाते हैं काफी लोटी लोटों में लेके जाते हैं, तो गुरु जी ने कहा था ये क्या लोटनियाँ भरी हुई है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, लोटनी है, आज भी उसका नाम लोटनी है। तो वो जगह मिशन ने किश्ती करवाई है गुरुदास के नाम पर। अगर आप इसको चाहे, कोई चाहे, कोई भी संस्था चाहे कि गुरु जी के नाम पर हम काम करना चाहते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाकर काम करते हैं, आप नक्शा बनाइए, काम कीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु जी के काम करते हैं। ऐसे जम्मू में गुरु जी का स्थान है, ऐसे कन्याकुमारी में गौर हो सकती है, तो हमें गुरु जी के स्थान ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। वो जो गुरु जी के स्थान होंगे वो आपके होंगे। क्यों आपके होंगे? क्योंकि वो डायरेक्ट गुरु जी के स्थान जो है उसकी सेवा संभाल आपको करनी है, हमें तो अपना करना है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि हमेशा संत महापुरुषों को ब्लेम मत करें, आप कुछ काम अपने हाथों में लेकर के खुद भी करें, ताकि आप आने वाली जो इतिहास है उसको देख सकें। इन शब्दों के साथ मेरे साथ जोड़ भी आए हैं और इस गुरुघर के प्रधान डॉक्टर नरसिंह जी और ऐसे संत महापुरुष स्टेज के विराजमान हैं, संत नासिदा जी, संत जी के और संतगण बैठे हैं, गुरु महाराज नाम जानते हैं, पूरी टीम आई है, टीम आर्मी श्रीमान चंद्रशेखर जी, और मैं जिनके नाम अभी नहीं जानता गुरु महाराज जी जानते हैं। हमें क्षमा कीजिएगा, हम बेशक इसमें कामयाब नहीं हुए जो आप चाहते थे, आज ये भी है, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि जब भी आप चाहोगे, जब भी बुलाओगे, जितनी सेवा लगाओगे, अपनी तरफ से भी और मिशन को भी प्रेरित करके सभी को यहाँ लेके आएंगे। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद, जय गुरुदेव, धन्यवाद, शुक्रिया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पूरे चंडियों चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर जी बेनती करा कि जो अगले वाला प्रोग्राम है वो फाइनल गुरु जो है दर्शन श्री चंद्रशेखर जी हमारे रहमत साहब श्री काशी नाम
जितने भी लोग हैं महापुरुषों से ऊपर अमल करते हुए मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत जरूरी है और लाइव के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से बहुत दूर तक जाएगा। ये आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा है और ऐसा नहीं हुआ कि आज हम जो है फेल हुए। मैं सबसे पहले इस बात पर प्रकाश डाल दूं कि ये तो बहुत छोटी सी जगह है, बड़े लंबे समय से हमारे रहबरों की धरती को हमसे छीना गया, हमारे घरों से हमसे निकाला गया, हमारे जंगल जमीन से हमें बेदखल किया गया, लेकिन ये ऐतिहासिक जगह है, इसकी हमें पहचान थी और इस संघर्ष को हमारे साधु संतों ने, महापुरुषों ने, युवाओं ने मिलकर लड़ा। तो जितने भी साधु संत, जितनी बहने और रात से आंदोलन में मौजूद थी, जो हमारी छोटी बहने हैं, हमारे संत महापुरुष हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस आंदोलन को निस्वार्थ भाव से लड़ने काम किया और ऊर्जा प्रदान की आंदोलन को, जिससे कि आज सुबह में हजारों की संख्या में नौजवान, बुजुर्ग, युवा साथी में पहुंचने का काम हुआ। सबसे जरूरी यह है जो आपको जानना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत ही चालाकी से जातिवादी जजों द्वारा ये कराया गया। उसका जो ऑर्डर है, वो जो अरुण मिश्रा नाम के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में भरोसा नहीं रखते, जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति से इस देश के कानून को आज भी चलता महसूस कर रहे हैं, उनका जो डिसीजन है, उनका जो ऑर्डर है, वो उनके शब्द जो है बिल्कुल ऐसे ही है। जहां दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जगह जगह पे हिंदू धर्म के मंदिर बने हुए, वो सड़क पे चौराहों के बीच में बने हुए हैं, जो अगर दिल्ली में देखे तो डीडीए की जमीन में बने हुए हैं, उनपे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़े से बड़े भ्रष्टाचार करके इन्होंने जो है जमीन जो है अपने नाम कराई, उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती। 100 एकड़ में यहाँ गौशालाएं बनी है जिनपे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जानबूझकर चाहे सीमापुरी में भगवान वाल्मीकि मंदिर हो, चाहे देवली पहाड़ी पे बुद्ध विहार हो, और चाहे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का ये ऐतिहासिक पावन स्थल हो, जहां सतगुरु जी खुद आए चिन्हित करके, इनको पता था कि शनिवार और इतवार छुट्टी, हम लोग कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, और इनको ये भी पता था कि जो टीम वहां काम कर रही थी वो लोग साधु संप्रदाय की मीटिंग के लिए फगवाड़ा पंजाब चले गए हैं। तो बहुत ही साजिशन तरीके से ये किया गया, फिर भी जितनी हिम्मत थी हमारे नौजवान, हमारे साधु संत वहां लड़े, संघर्ष किया, और आपकी ताकत का एहसास देखिए, कई हजार की संख्या में फोर्स वहां जो है लगाई गई और रोकने का प्रयास किया गया। मगर एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमारे महापुरुषों के इस तीर्थ स्थल के साथ जो भेद भी की गई, सतगुरु जी की प्रतिमा के साथ, बाबा साहब की प्रतिमा के साथ, सतगुरु जी का जो बाहर बोर्ड था उसके साथ जो भेद भी करी गई, वो ये साबित करती है कि यहाँ की डीडीए की ये साजिश है, दिल्ली गवर्नमेंट उसमें सम्मिलित है और ये जो मोदी सरकार है वो भी इसमें सम्मिलित है। ये एक तरह की चोट दी गई है हमें, हमारे अधिकारों को, हमारे धर्म को, ये अत्याचार किया गया है। लेकिन इस अत्याचार से हमें सीख लेनी है। भीम आर्मी की जो टीम यहाँ पहुंची, सुजीत भाई के नेतृत्व में, हिमांशु भाई के नेतृत्व में, पंकज भाई के नेतृत्व में, कपिल भाई के नेतृत्व में, वो जो नौजवान यहाँ पहुंचे रामे प्रधान जी के नेतृत्व में, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई से हमें सीख लेनी है। बार बार ये हमले हम पे होते हैं, लेकिन इन हमलों के बाद हमने बार बार जवाब दिया है, तो अब समय आया है कि इस हमले का जवाब भी जो है कनिष्ठ भाई हम देंगे, 100% देंगे, 101% देंगे। और जो देश विदेश में अखिल भारतीय रविदास धर्म से जुड़े हुए लोग, जो सतगुरु रविदास जी में आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते, देखिए मंदिर को हमसे नहीं छीना जाएगा, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी ताकत से फिर लौटेंगे। और 21 तारीख को दिल्ली में जो जगह निर्धारित हो रही है, चाहे वो अंबेडकर भवन हो, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, जहां का आदेश हम पे हमारे साधु संप्रदाय के लोगों को आ जाएगा, हमारे महापुरुषों को आ जाएगा, उस जगह से हम लोग उस जगह पे 21 तारीख को हम लोग पहुंचने काम करेंगे। हम लाखों की तादाद में आएंगे और सरकार को बता देंगे अन्याय अत्याचार होगा, जुल्म जाते हुए, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये जो भेद भी आपने किए ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी जी कान खोल के सुन लें, अरविंद केजरीवाल कान खोल के सुन लें और डीडीए कान खोल के सुन लें कि आप हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारे पवित्र स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को हमसे नहीं छीन सकते हैं। ये जो साजिश आप कर रहे हैं, बहुजन समाज इसका मुंह तोड़ जवाब आपको आने वाले 21 अगस्त को देगा।
जंतर मंतर में हम लाखों की तादाद में आके इस सरकार से अपने हक अधिकार मांगेंगे। और अगर आप ताकतवर तरीके से आपने लड़ाई लड़ी, ये संघर्ष लड़ा, तो विश्वास कीजिए यही सरकार जिसने ये शासन तोड़वाया है आप आगे नतमस्तक हो गए। सतगुरु रविदास जी महाराज आगे नतमस्तक हो गए, दोबारा से वही मंदिर इनके हाथों तो बनवाया जाएगा और ऐतिहासिक मंदिर होगा। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। पूरा ऐतिहासिक मंदिर होगा और पूरी दुनिया के लोग उसे देखने आएंगे। लेकिन इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 10 दिन आपको सोना नहीं है, आपको अपने परिवार को भी लेके आना है। लेकिन 21 अगस्त को पूरी दिल्ली जो है नीली होनी चाहिए, बहुजन समाज के एक तबके के लोग वहां आए और घर ना बैठे। ये संघर्ष जो है ये चेक करने के लिए है, जैसे 2 अप्रैल में हमारा हमें एक बार पहले चेक किया गया था जब SST एक्ट के खिलाफ ऐसा ही फैसला दिया गया जाते हैं जो द्वारा, उसके बावजूद हमने बलिदान दे के जो है इस देश में अपने हक अधिकारों की सुरक्षा की थी। तो दोबारा जो है ये हमारा रीचेकअप चल रहा है कि अब हम किस स्थिति में है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ अपने साधु संतों महापुरुषों को कि अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं, संत सुखदेव सिंह वाघमारे जी, संत हीरादास जी हमारे साथ हैं, संत हितकारी जी महाराज हमारे साथ हैं और भी अन्य महापुरुष जिनके मैं नाम नहीं जानता वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे डेरे के जो डेरा पे जो अभी विराजमान है गद्दी नसीन है, हमारे सभी संत महापुरुष आंदोलन में हमारे साथ हैं। इनका जैसा आदेश आया कि 21 तारीख में हमें बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचना है तो हम 21 तारीख में बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचेंगे और इस समाज के गौरव को झुकने नहीं दिया जाएगा। मान सम्मान की इस लड़ाई में, अधिकारों के संघर्ष में जो भी बलिदान दिया देना पड़ा वो देने का काम किया जाएगा। और आज लाइव के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हक अधिकार की लड़ाई में आपको की चुप्पी जो है दुश्मन को ताकतवर ना बना दे। तो 21 अगस्त को जैसा हमारे महापुरुषों का आदेश है कि 21 अगस्त को हमें जंतर मंतर पहुंचना है, तो 21 अगस्त को घर से निकले और आए। और जो वेद भी सतगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमाओं के साथ, हमारे रहबरों की प्रतिमाओं के साथ, साहब काशीराम की प्रतिमाओं के साथ, बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ जो पूर्व में वहां समाज जाती उनके साथ की गई है, ये इतना दुख का विषय है कि इसने हमें बिल्कुल झकझोर दिया है। लेकिन हम इसके बाद चैन से नहीं बैठेंगे, प्रयास करेंगे जिन लोगों ने साजिश की उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस बेदबी का जवाब जो है वहीं उसी ऐतिहासिक स्थल पे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का ऐतिहासिक मंदिर बना के जो है किया जाएगा, ये बदला लिया जाएगा। और ये मात्र लड़ाई मंदिर की नहीं, लड़ाई हमारे इतिहास की है। तो ये इतिहास बचाने की जिम्मेदारी पूरी रविदास कौम की है, पूरे बहुजन समाज की है। तो मेरा निवेदन है कि 21 तारीख को कोई भी घर ना रहे, जो स्कूल में पैदा हुआ वो घर ना रहे, जो स्कूल से जुड़ा हुआ वो घर ना रहे, और सरकार को बताएं कि वो समय चला गया कि हम इस गुलामी को स्वीकार करते थे। जो भी आपने हमारे ऊपर थोपा कि हमें शिक्षा का अधिकार ने हमें स्वीकार किया, हमें संपत्ति रखने का अधिकार ने हमें स्वीकार किया, लेकिन आज का युवा इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब जो है 21 तारीख को आपको जो है दिल्ली की धरती दिया जाएगा। क्या आप सब लोग इसके लिए तैयार है? क्या आप सब लोग ये अपमान जाति जुल्म जो है उसके खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत के लिए तैयार है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी ये ऊर्जा 21 तारीख को जो है दिल्ली को दिल्ली में जवाब देगी। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और जो सात संगत यहाँ बैठे गए मन संत महापुरुष पड़े आपके चरणों में जो है मेरा चरण वंदन आशीर्वाद आपसे लेता हूँ। नमन करता हूँ कि आपके शौर्य को, आपकी ताकत को, आपके संघर्ष को, इस कमेटी को भी, ये जो कमेटी इतने लंबे समय से संघर्ष कर रही है उनके भी सभी क्रांतिकारी हमारे वीर योद्धाओं को, बहनों को, माताओं को भी मैं सलूट करता हूँ कि इतने लंबे समय से आपने संघर्ष किया, पैसा भी, मान सम्मान भी, अपनी जान भी दांव पे लगा रखी। लेकिन आप बताइएगा नहीं, आप अकेले नहीं है, पूरा समाज आपके साथ है। और ऐसी ऐतिहासिक घड़ी में पंजाब में लगभग 4 से 5 जिले जो है बड़े प्रभावित है, जहां जाम लगाया गया, रोड बंद किया गया है। तो ऐसी ऊर्जा हमें जो है जैसी पंजाब से ऊर्जा चल रही है पूरे देश को प्रदान करनी है। हमें घर नहीं बैठना है, सोना नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, फोन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना है और बड़े पैमाने पर 21 तारीख में पहुंचना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय गोविंद समाज।